इधर लखनऊ में संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने संबल मामले में समाजवादी पार्टी के लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने संविधान की मंशा के अनुरूप लोगों को सम्मान देने का काम किया है। मंत्री असीम अरुण से खास बातचीत की आदि टीवी संवाददाता नितेश मिश्रा ने। जहाँ विपक्ष लगातार संविधान के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेर रहा, वहीं प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा संविधान को सम्मान दिए जाने की बात को लेकर परिकल्पना के सिद्धांत पर अभी तक वो कार्यक्रम अनवर चल रहा है। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री असीम अरुण पहुंचे हैं। सर, लगातार संविधान को लेकर जिस प्रकार से कार्यक्रम शुरू हुआ, अनवरत चलता चला आ रहा, ऐसे में विपक्ष लगातार संविधान बदलने जैसे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? 2015 में ये मोदी जी का निर्णय था, ये उनकी पहल थी कि हम संविधान दिवस मनाएं 26 नवंबर को। ये अमृत काल शुरू हो रहा है, 75वां वर्ष है संविधान का और ये पूरा वर्ष हम लोग इस प्रकार मनाएंगे, केवल परंपरा के अनुसार से नहीं, उसकी गहराई से घुसने के लिए, संविधान की जो आत्मा है उसको और गहराई से समझने के लिए। मोदी जी ने संविधान को सजो के रखने के लिए, मूल भावना को और ठोस करने के लिए, विशेषकर सामाजिक न्याय से जुड़े हुए जितने भी पहलू हैं, खासकर आरक्षण, उसको ताकत देने का काम किया है। जो लोग हाशिए पे छूट रहे थे, ट्रांसजेंडर समुदाय जिनको पिछली सरकारें भूली गई थीं, महिलाएं जिनको कि लोकसभा में विधानसभा में प्रतिनिधि नहीं था, उनको सामाजिक न्याय देने का काम मोदी जी ने किया है और आगे बढ़ाया है। समय में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश एक अलग ही सियासत के दौर से गुजर रहा है। राजनीति में लगातार ये बात खासकर समाजवादी पार्टी के द्वारा वर्तमान समय में उठाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान का हनन कर रही है। अभी आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माता प्रसाद पांडे जी ने तमाम सवालिया निशान उठाए। उनका एक बात और भी कहना है, पुलिसियों पर आरोप आ रहा है कि पुलिस हमेशा दो असलहे रखती है, एक से वो अपनी कारगुजारी को अंजाम देती है और एक सामने रखती है गोलियों की बचत। आप ब्यूरोक्रेसी से भी रहे हैं, तो इस नज़रिए के सपा को आप किस तरीके से देखते हैं? सपा के पास ऐसा कोई प्रमाण है तो न्यायालय में प्रस्तुत करें, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कानून का राज स्थापित करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, कानूनी तरीके से कानून का राज स्थापित करने के लिए। जो संबल की घटना के अगर आप जिक्र कर रहे हैं, तो एक कानूनी प्रक्रिया वहां पे चल रही थी, अगर किसी को उससे एतराज़ था, विरोध था, तो उसमें पथराव करने की, गोली चलाने की क्या जरूरत थी? कानून को अपने हाथ में ना लेते, कानूनी तरीके से अपील करते, रिवीजन में जाते, न्यायिक प्रक्रिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों की ये मानसिकता है कानून को अपने हाथ में लेना, वो चाहे अयोध्या के रेप कांड हो, चाहे कन्नौज का हो, और अब मैनपुरी करहल का रेप और मर्डर कांड हो, हमारे भाजपा की एक कार्यकर्ता बेटी के साथ ऐसी घटना हुई। लेकिन ये योगी जी का सेवा काल चल रहा है, अखिलेश जी का, मुलायम सिंह जी का सेवा काल नहीं है। लड़के हैं, गलती हो जाती वाला सेवा काल नहीं है। अगर मेरा भाई भी गलती करेगा तो उसको फांसी पे लटका दिया जाएगा, ऐसा सेवा काल चल रहा है। वर्तमान समय का जो सिनेरियो चल रहा है, जैसे संबल की घटना हो, इस पर लगातार विपक्ष हमलावर है, जिस तरीके से बातें सामने निकल कर आ रही हैं, प्रशासनिक आरोप लग रहे हैं, उन्हीं के बीच में एक आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से आता है कि चुनाव आयोग के ऊपर भी सवालिया निशान उठाते हैं। उनका कहना ये होता है कि इस प्रकार की कोई चर्चा ना हो सके कि चुनाव में धांधली की गई। आप मौजूद भी रहे, कुंदर की विधानसभा में भी आप मौजूद रहे, वहाँ पर एक बहुत बड़ी जीत मिली है जैसा संदेश गया, क्योंकि आप ग्राउंड पर वहाँ पर रहें, तो जो ये आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आप लगातार वहाँ पर थे, लोगों के बीच में थे, मुस्लिम मतदाताओं को भी आपने कार्यक्रम में संबोधित किया था, तो क्या वो समय था? ये केवल खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात है। कुंदरकी में आज जितनी बड़ी जीत हुई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी केस स्टडी है। यहाँ पे भाजपा बहुत लंबे समय से नहीं जीती थी, लेकिन आज भाजपा योगी जी मोदी जी की नीतियों की वजह से, क्या धर्म की बात करें, क्या संप्रदाय की बात करें, क्या जाति की बात करें, सब लोग जुड़ के आए। हमारे प्रत्याशी भी बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन मूल रूप से हमारी सबका साथ सबका विकास की जो नीति है उसके ऊपर मोहर लगी है। खासकर ये चुनाव सरकार बनाने बिगाड़ने का चुनाव नहीं था, ये नीतियों पर मोहर लगाने का चुनाव था और सबके सामने है। धन्यवाद आपका। तो आप सरकार में राज्य मंत्री असीम अरुण, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से संबल में घटना हुई, उस पर जहां विपक्षी दल तमाम लगातार सवाल उठा रहे हैं, उनको ये बात सोचनी चाहिए कि जब वहां पर कार्यक्रम न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार चल रहा था, तो अगर किसी को विरोध भी करना था तो वो न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से विरोध कर सकते थे। लखनऊ से कैमरा सहयोगी शिवांशु पटवा के साथ अनादि टीवी के लिए नीतीश मिश्रा।